चरवाहे के बारे में पिछले सैटरडे भी थोड़ा सा देखा था। अच्छा चरवाहा कौन है, कैसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, बहुत से टॉपिक है। लेकिन परमेश्वर ने जो है कि अगर हम अच्छे चरवाहे और ईमानदार चरवाहे को देखें तो हम उत्पत्ति में ही चले जाते हैं, कैन और हाबिल के बीच में, है ना। हाबिल और कैन, कैन और हाबिल जब थे तो परमेश्वर ने किसकी भेंट को स्वीकार किया? हाबिल की। क्यों? क्योंकि वो अपनी चरवाही में ईमानदार था। क्या था? ईमानदार था। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर को दिया। हालेलुया। उसने पहलोटा परमेश्वर को दिया। क्यों दिया? क्यों दिया? क्योंकि परमेश्वर का एक कायदा, एक कानून है जिसको हमें निभाना आना चाहिए। हम क्या करते हैं, अच्छे चरवाहे हम कलीसियाओं में दूसरों को तो सिखाते हैं, परंतु क्या हम परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर को देते हैं? यदि हम देते हैं तो हम एक अच्छे चरवाहे हैं और परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं। परमेश्वर ने जो हमसे वायदा किया है हम उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। अच्छा चरवाहा होने के लिए एक लक्ष्य का होना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर लक्ष्य नहीं है तो अच्छा चरवाहा कभी नहीं बन सकता, लेकिन अगर लक्ष्य है तो अच्छा चरवाहा जरूर बनेगा। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर हमें दो भेड़ों को देता है, जब हमारी सेवकाई शुरू होती है, जब परमेश्वर हमें उस समय पर लेके आता है कि अब तुझे मेरे कार्य को शुरू करना है, तो सिर्फ एक या दो से ही शुरू होता है। अगर हम लक्ष्य के साथ चल रहे हैं तो वो दो भेड़े ही भरपूर आशीष के साथ उस भवन में रहेंगी। हालेलुया। और उसकी इतनी बढ़ोतरी होगी, बहुतायत से बढ़ोतरी होगी। क्यों? क्योंकि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को कहाँ ले जाता है? सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। आइए हम निकालेंगे भजन संहिता 23 अध्याय। भजन संहिता उसकी 23 अध्याय में लिखा है, यहोवा अच्छा चरवाहा। सिर्फ यहोवा है अच्छा चरवाहा। हमें उससे सीखना चाहिए कि हमें चरवाही कैसे करनी चाहिए। अगर हम देखें तो परमेश्वर की नज़र चरवाहों पर अत्यधिक रही है ना। जब यीशु मसीह के बारे में बताना था तो स्वर्गदूतों ने सबसे पहले संदेश दिया गडरियों को। गडरियों ने जाकर सबसे पहले यीशु मसीह के दर्शन किए, मूल्यवान उसको दर्शन में भेंट चढ़ाए। हालेलुया, हालेलुया। एक लक्ष्य होता है तब परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को हमारे पास भेजता है और हमें बताता है कि आगे क्या होने वाला है। हालेलुया, आगे क्या होने वाला है। अच्छा चरवाहा कैसा होता है? यहोवा मेरा चरवाहा। यहाँ लिखा हुआ है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। हालेलुया। क्या हम अपनी बातों से, क्या हम अपनी बातों से किसी के जी में जी ले आते हैं? क्या हम अपनी बातों से किसी के जी में जी ले आते हैं? क्या हम उसको खुश कर देते हैं? यदि वो दुखी भी है तो हम खुश कर देते हैं? अगर नहीं कर देते हैं, हम उसको खुश नहीं कर रहे, तो हम अच्छे चरवाहे नहीं हैं। क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पर किसका सुसमाचार देने के लिए आता? खुशखबरी लेके आया था, है ना। क्या लेके आया था? खुशखबरी हमारे लिए। किस चीज़ की खुशखबरी? कि हम यहाँ नहीं परंतु अनंत काल के जीवन में रहेंगे। हालेलुया, अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेंगे। उस अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने के लिए तुम्हारे लिए एक पुत्र उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। और उस पुत्र का नाम क्या है? यीशु मसीह। और यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है। अब चरवाहे का एक लक्ष्य होना चाहिए क्या? क्या जब दो भेड़े परमेश्वर ने मुझे दी हैं तो मैं क्यों ना इन पर काम करूं और इनको हरी हरी चराइयों में चराऊं? जब हरी हरी चराइयों में जब मैं चराऊंगा तो मेरी भेड़े स्वस्थ होंगी, मेरी भेड़े फलेंगी फूलेंगी, मेरी भेड़े आशीषित होंगी। और जब मेरी भेड़े आशीषित होंगी, मेरी भेड़े फलेंगे फूलेंगी, तो मेरी भेड़ों को देखकर
दूसरी भेड़े भी मेरे पास आएंगी। हालेलुया। एक कहावत है, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है ना, सुनी होगी आप लोगों ने भी, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। तो अगर अच्छी भेड़े हैं वो पनपती जा रही हैं, जब वो उस भवन में गई थी उनकी इतनी क्रिटिकल सिचुएशन थी कि वो अपने आप में भोजन भी नहीं कर पा रहे थे अच्छा, लेकिन आज उनकी सिचुएशन ऐसी है कि वो बहुत अच्छा खा रहे हैं पी रहे हैं और लोग उनको देखकर क्या कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो फल रहे हैं फूल रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या सिखाता है, जो शत्रु जो दुश्मन हमसे ईर्ष्या कर रहे हैं उनके लिए क्या करो, प्रार्थना करो। यदि हम अपने शत्रु के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो हम अच्छे चरवाहे हैं। हालेलुया। हमारी भेड़ें अगर सूखी सूखी चराइयों में ही चर रही हैं तो वो मोटी नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि गडरिया उनको ले तो जा रहा है, चराने लेके तो जा रहा है, परंतु क्या कर रहा है, एक पेड़ की छाया में जाके सो जाता है, एक पेड़ की छाया में जाके सो जाता है। यदि चरवाहा सो रहा है तो भेड़ों की रखवाली कौन करेगा? भेड़ आएगा और लेकर भी चला जाएगा, उसे पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो पेड़ की छाया में सो रहा है। अच्छा चरवाहा क्या करता है? हमारा यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है, तो वो क्या करता है, ना ऊँघता है और ना सोता है। हालेलुया।